आज का टॉपिक है केमिकल एग्जामिनेशन ऑफ यूरिन, हम वो पढ़ेंगे। इसमें अपन जनरली जैसे प्रोटीन में अपन कंपोजिशन में बहुत सी चीजें पढ़ी कि प्रोटीन होता है, सॉरी यूरिन के कंपोजिशन में अपन बहुत सी चीजें पढ़ी जैसे कि प्रोटीन, ग्लूकोज, कीटोन बॉडीज, बिलिरुबिन, बिलिवर्डिन, ये ब्लड और क्या कहते हैं नाइट्रेट, ये सब चीजें प्रेजेंट होती है। ठीक है, अब अगर ये नॉर्मल अमाउंट से ज्यादा है तो अपन को डिजीज हो सकती है, डिजीज के सिम्टम्स होंगे ना अगर कोई भी चीज नॉर्मल से ज्यादा है या कम है तो। ठीक है, तो हम उन्हीं के बारे में पढ़ेंगे कुछ केमिकल टेस्ट लगाकर। तो इसमें अपन कुछ चीजों के बारे में पढ़ते हैं, जैसे फर्स्ट प्रोटीन के बारे में पढ़ेंगे, सेकेंड शुगर के बारे में पढ़ेंगे, थर्ड कीटोन बॉडीज पढ़ ले, बाइल सॉल्ट, बाइल पिगमेंट, सिक्स ब्लड एंड सेवन नाइट्रेट। ठीक है, इन सात जो कॉन्स्टिट्यूट है या जो चीजें हैं उनके बारे में अपन टेस्ट लगाएंगे और पता लगाएंगे कि नॉर्मल है यूरिन में या ज्यादा है। ठीक है, और ज्यादा है तो किस कंडीशन में ज्यादा है और किस कंडीशन में लो होगा। ठीक है, क्लियर। इसके अलावा भी बहुत सी चीजें हो सकती है, जैसे यूरोबिलिनोजन है, पोर्फोबिलिनोजन है, इन सब के बारे में भी अपन ये पढ़ सकते हैं केमिकल टेस्ट लगाकर, बट मोस्टली अपन ये पांच छह जो टेस्ट होते हैं यही लगाते हैं जनरली। ठीक है, हो गया। तो फर्स्ट प्रोटीन, तो प्रोटीन में अपन ने पढ़ा था कि जनरली आपकी बॉडी से जो यूरिन पास होता है 600 टू 1000 ml, उसमें पर डे में 150 मिलीग्राम यानी 150 मिलीग्राम से कम मात्रा में प्रोटीन एक्सक्रीट होता है। ठीक है, तो जनरली इन यूरिन आउटपुट लेस देन 150 मिलीग्राम एक्सक्रीटेड। ठीक है, अगर 150 मिलीग्राम से ज्यादा अगर यूरिन में प्रोटीन है तो उस कंडीशन को बोलते हैं प्रोटीनूरिया। ठीक है, ज्यादा की बात होती है इफ ठीक है, अब अगर प्रोटीन ज्यादा है तो उसको डायग्नोसिस करने के लिए अपन लगाएंगे टेस्ट। तो जनरली आपने जो यूरिन सैंपल लिया है अगर वो क्लियर नहीं है, टर्बिट है, तो सबसे पहले क्या करोगे, उसको फिल्टर करोगे, सेंट्रीफ्यूज करके उसको क्लियर करोगे। ठीक है, तो फर्स्ट आपका स्टेप होगा उसमें इफ यूरिन इज टर्बिड देन फिल्टर इट
और सेंट्रीफ्यूज्ड। ठीक है, उसके बाद अपन प्रोटीन का टेस्ट लगाएंगे। प्रोटीन में अपन तीन टेस्ट लगाते हैं, हीट एंड कोगुलेशन टेस्ट, सेकंड सल्फोसैलिक एसिड टेस्ट और थर्ड रिएजेंट स्ट्रिप टेस्ट। ठीक है, तो तीन टेस्ट लगाएंगे। तो फर्स्ट अपन पढ़ेंगे हीट एंड कोगुलेशन टेस्ट। क्लीन कर दो। ठीक है, हीट एंड कोगुलेशन टेस्ट, इसमें सबसे पहले अपन पढ़ेंगे प्रिंसिपल। अब हीट एंड कोगुलेशन टेस्ट क्या होता है, जब आप यूरिन को बॉईल करते हो और उसमें जो प्रोटीन है अगर वो कोगुलेट हो जाता है तो उसमें प्रोटीन प्रेजेंट है, और कोगुलेट नहीं होगा तो उसमें प्रोटीन एब्सेंट है। क्लियर? यानी कि अपन यूरिन को गर्म करेंगे तब वो अगर कोगुलेट हो जाता है तो प्रोटीन प्रेजेंट है, और नहीं होगा तो नहीं प्रेजेंट है। ठीक है, क्लियर? नेक्स्ट मेथड, ठीक है, मेथड में क्या करेंगे, एक टेस्ट ट्यूब लेंगे परख नली, ठीक है, उसमें उसको 2/3 यूरिन से फिल कर देंगे अपन। ठीक है, फिर उसको इंक्लाइन पोजीशन पर रखेंगे, जो यूरिन का अपर पार्ट है ना, नीचे वाले पार्ट को अपन को हीट नहीं करना, मतलब अपन ऐसे बर्नर के ऊपर ऐसे ही परख नली नहीं रखेंगे, ऐसे रखेंगे इस पोजीशन में, जो अपर पार्ट होगा ना उसको हीट करेंगे, कब तक, जब तक कि अच्छे से बॉयल नहीं हो जाए। और फिर अगर आपको टर्बिडिटी दिखती है तो आप इसमें डालोगे 10% एसिटिक एसिड। ठीक है, तो अगर फॉस्फोरस की वजह से वो टर्बिडिटी है तो वो डिसअपियर हो जाएगी, और अगर प्रोटीन सच में प्रेजेंट है तो वो टर्बिडिटी नहीं जाएगी। ठीक है, क्लियर? तो फर्स्ट टेको टेस्ट ट्यूब, ठीक है, देन फिल द 2/3 ऑफ टेस्ट ट्यूब
यूरिन स्पेसिमेन। ठीक है, क्या हुआ? ठीक है, यूरिन को आपने 2/3 फिल कर दिया टेस्ट ट्यूब के अंदर। फिर उसके अपर पार्ट को आपको हीट करना है, तो हीट द अपर पार्ट ऑफ यूरिन इन इंक्लाइन पोजीशन ऑफ टेस्ट ट्यूब, यानी इस पोजीशन में रखेंगे, उसको बोलते हैं इंक्लाइन पोजीशन। ठीक है, कब तक? टिल तब तक जब तक कि वो बॉयल नहीं हो जाए। ठीक है, ठीक है, उसके बाद क्या करोगे? अगर टर्बिडिटी दिखी है तो अपन एसिटिक एसिड डालेंगे, और नहीं दिखी है तो प्रोटीन एब्सेंट है। ठीक है, अगर टर्बिडिटी प्रेजेंट है तो अपन 10% एसिटिक एसिड डालेंगे। ठीक है, इफ टर्बिडिटी वो बताता है, अगर उसमें फास्फोरस प्रेजेंट है तो वो एल्कलाइन मीडियम हो गया ना, तो एसिड हो जाएगा, तो न्यूट्रल हो जाएगा। इफ टर्बिडिटी इज प्रेजेंट, और अगर टर्बिडिटी प्रेजेंट है तो ये किस वजह से होगी? क्योंकि आपके प्रोटीन का जो टेस्ट है वो पॉजिटिव आया है। ठीक है, क्लियर? हटा दो। अब अपन कुछ ग्रेडिंग करेंगे कि ना कितने ग्रेड पर कितना प्रोटीन आपको दिखा है। ठीक है, कितने कितना इन्फेक्शन है या कितने पॉजिटिव है, तो अपन ग्रेडिंग करेंगे। देखो, अगर नो टर्बिडिटी है तो नो प्रोटीन, यानी कि प्रोटीन प्रेजेंट ही नहीं है। अगर ट्रेस टर्बिडिटी है यानी बिल्कुल थोड़े अमाउंट में, तो वो टर्बिडिटी आपको कैसी दिखेगी? एकदम है ना, बिल्कुल है ना, माइन्यूट सी, बिल्कुल हल्की हल्की सी दिखेगी। ठीक है, डिफिकल्ट टू विजुअल।
ठीक है, अगर फर्स्ट ग्रेड करना है आपको, फर्स्ट वन प्लस, तो आपको टर्बिडिटी दिखती है, क्या कहते हैं, डिस्टिंक्ट, और अगर टू प्लस है तो आपको ग्रेनुलर टर्बिडिटी दिखती है। अगर थ्री प्लस है तो आपको दिखेगी डेंस टर्बिडिटी। और अगर फोर प्लस है तो इजीली विजुअल टर्बिडिटी। ठीक है, तो ये कुछ ग्रेड करते हैं अपन कि कब टर्बिडिटी नहीं दिखेगी, कितनी दिखेगी, तो उसके हिसाब से अपन ग्रेडिंग देते, उसके हिसाब से उनका जाके आगे ट्रीटमेंट तय होता है। ठीक है, क्लियर, समझ में आया? अगर किसका डर्ट वाइट फॉर्म दिखेगा, डर्ट एक तरीके की गंदगी दिखेगी, टर्बिड कुछ भी एक जैसे एक वाइट सॉल्यूशन है उसमें अगर मैं ना नमक डाल दूंगी वैसे वो डिसॉल्व हो जाएगा, बट उसके अलावा पर वो रहेगा, जब वो पार्टिकल्स दिखेंगे ना, वो दिखेंगे ना, तो वो उस टाइप की वो टर्बिडिटी होती है। और एकदम वो अगर ग्लूकोज वाला वाटर तो एकदम वो कैसा हो जाता है, वाइटिश, तो वो इजीली वैसा होगा। अगर प्लस फोर होगा ना तो वैसी टर्बिडिटी होगी। ठीक है, और अगर ग्रेनुलर फॉर्म में है तो जैसे मैंने बताया कि अगर है ना अपन नमक डालते तो वो एक एक ग्रेन्यूल्स दिखता है, वैसी टर्बिडिटी होगी। समझ में आया? अगर बिल्कुल कम, अगर आपका पानी बिल्कुल है ना बिल्कुल थोड़ा सा खराब है, आपको ढंग से नहीं दिखता है, तो उसको बोलेंगे डिफिकल्ट टू विजुअल या बाइली विजुअल टर्बिडिटी। ठीक है, अगर उससे थोड़ी ज्यादा टर्बिडिटी है, आप देख पा रहे हो बट आप ना मतलब बता नहीं पा रहे हो कितनी है, ज्यादा है कम है, तो ग्रेन्युलर फॉर्म में दिखेगी तो ग्रेन्युलर, उससे ज्यादा है पैचेस फॉर्म में प्रेजेंट है तो डेंस। ठीक है, सघन फॉर्म में, डेंस मतलब सघन। ठीक है, और उससे भी ज्यादा है कि पूरा का पूरा ही टर्बिड है तो इजीली सीन। क्लियर, समझ में आ गया? ठीक है, अब नेक्स्ट सल्फोसैलिक एसिड टेस्ट। ठीक है, अब इसका प्रिंसिपल इसमें क्या होगा, जैसे ही आप यूरिन में कोई भी जैसे सल्फोसैलिक एसिड है वो डालोगे तो यूरिन प्रेसिपिटेट हो जाएगा, सेम टर्बिडिटी दिखेगी। ठीक है, उसमें कॉगुलेट हो रहा था, इसमें प्रेसिपिटेट होगा। ठीक है,
क्लियर। अब इसका मेथड, इसमें क्या करेंगे, अपन एक टेस्ट ट्यूब लेंगे, उसमें 2 ml यूरिन डालेंगे, ठीक है। 2 ml यूरिन डालने के बाद उसको न्यूट्रल करने के लिए, जनरली आपका यूरिन कैसा होता है, pH एसिडिक या अल्कलाइन, वो होती है, तो एसिडिक हुआ मोस्टली या अल्कलाइन, तो उसको न्यूट्रल करेंगे ग्लेशियल एसिटिक एसिड की अपन ड्रॉप डाल के, ठीक है। 2 ml यूरिन में अपन ने क्या डाला, ग्लेशियल एसिड की ड्रॉप, फिर अपन ने डाला सल्फोसैलिक एसिड। अगर टैबिटिस शो होती है तो अपन को प्रोटीन पॉजिटिव है, और नहीं है तो प्रोटीन नेगेटिव है, ठीक है, क्लियर। टेक अ टेस्ट ट्यूब, test tube with 2 ml urine, ठीक है। उसके बाद देन ऐड सल्फोसैलिक एसिड, कितना, तो ये होता है 3-5% लेते हैं ऑफ 2-3 ड्रॉप्स, यानी कि सल्फोसैलिक एसिड की 2-3 ड्रॉप ऐड करेंगे, कितना परसेंट लेंगे सल्फोसैलिक, तो 3-5%, ठीक है। फिर इफ इज प्रेजेंट तो इट्स ड्यू टू प्रोटीन, और नहीं है तो नहीं प्रेजेंट होता। ये बहुत मोर एक्यूरेट मेथड होता है हीट एंड कोगुलेशन मेथड से, ठीक है। लिख लियो, समझ आ गया कैसे लगा रहे, कोई डाउट? वैसे ही तुमको कभी लगाना नहीं पड़ेगा लैब में, क्योंकि अब रिएजेंट स्ट्रिप मेथड अपन यूज करते हैं, ये मैनुअल मेथड है। अभी भी होता होगा कहीं ना कहीं, जहाँ गांव होंगे ना वहाँ पे, बट अभी जो अपने आसपास के जो मेन हॉस्पिटल्स है उसमें नहीं होता, ये हमारे कॉलेज में करवाते थे प्रैक्टिकल्स में। होता तुम्हारे प्रैक्टिकल्स में तो घर पे?